हेलो किचन मम्मी दे, आप सभी का स्वागत है। आप सोच रहे कि ये क्या है? बड़ा सिंपल सा, बड़े मज़े के लगते हैं। बस दो तीन सामान ही चाहिए, ज़्यादा वही ताम झाम भी नहीं। घर के ही रखे सामान से उसे बना सकते हो। जैसे न्यू ईयर हुआ, अभी न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस भी है चल रहा है, पार्टी के लिए भी आप बना सकते हो। छोटे मोटे बच्चों की किड पार्टी है, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो। ये रेसिपी बड़े सिंपल से है, टिन बच्चों के टिफिन नाश्ता में भी बच्चों के लिए बना सकते हो। और खुद भी अगर पसंद लवर होगे तो ज़रूर आप पसंद करोगे इसे। ऑल टाइम फेवरेट है, ऑल टाइम मेरा रेसिपी है। तो चलो बना लेते हैं फटाफट। तो बस तवे पे मैंने बटर डाल दिया, इसे तवे पे स्प्रेड कर दे रही हूँ। एंड देन ब्रेड का एक स्लाइस ले रही हूँ मैं अच्छे से। एकदम फ्लेम एकदम लो रखेंगे फिलहाल के लिए, मीडियम लो। एंड देन अब इस पर मैं एक ये वाला चैदर का चीज स्लाइस है वो रख रही हूँ ओपन करके। अब इसके ऊपर मीठास के लिए मैं शक्कर डाल रही हूँ। आप चॉकलेट भी यूज़ करते हो, जैसे मैंने ऊपर चॉकलेट सीरम ना इसमें भी डाल सकते हो, लेकिन अंदर शक्कर आते हैं ना बड़े मज़े, उस शक्कर की क्रंचीनेस आते हैं ना, ऊपर से बटर चीज़ का फ्लेवर एंड ब्रेड का भी क्रंचीनेस बड़े लजीज रखते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी शक्कर ही डालने को, बड़े लजीज रखते हैं। तो बस एक साइड हो गया, ये देखिए क्रंची कितना अच्छा। एंड देन अगेन इसके दूसरे साइड भी हम बटर डाल देंगे अच्छे से, दोनों साइड हम टोस्ट करेंगे। और ये केक मैंने बच्चों को बहुत पसंद है, बड़ों को भी, जो मीट स्वीट्स वाले होंगे उन्हें बहुत पसंद है। आप डिज़र्ट के लिए भी बना सकते हो, जैसे झटपट डिज़र्ट कुछ बनाना हो तो उसके लिए आप बना सकते हो। बड़े मज़े के सिंपल से, जैसे मैं बोलती हूँ मेरी रेसिपी आपको घर के रखे हुए सामानों से मिली, और आप चीज़ दिख रहे हैं ना कैसे मेल्ट हुए, तो वैसे ही घर के रखे हुए सामानों से ही बना है। तो ये देखिए फटाफट बने बनाए, चीज़ भी मेल्ट हो चुका है। बस इसके ऊपर से मैं चॉकलेट सीरम डाल दे रही हूँ, यकीन मैंने चॉकलेट सीरम जरूर डालना, बड़े मज़े के लगते हैं। और आप देख सकते हैं चीज़ भी मेल्ट हो गया, शक्कर भी कैसे मेल्ट हुआ दिख रहा है, दिख रहा है आपको? तो बस हो गया मज़े का। और इसे आपको चाहिए तो छोटे छोटे कट कर लीजिए, नहीं तो जैसे मैं कट करके फोक की हेल्प से खा रही हूँ ना वैसे खाओ, कैसे भी खाओ, बड़े मज़े के लग रहे हैं। मैं जैसे आपको कहती हूँ सिंपल सा, ईजी सा, बड़े मज़े के हैं, ऑल टाइम वाला रेसिपी है, रिजल्ट है। तो उम्मीद करती हूँ जरूर आप ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कैसे लगा। तो तब तक के खाओ पियो मज़े करो, और हाँ प्रॉपर जैसे रेसिपी मैंने बोला ऐसे ऐसे फॉलो करोगे तो एज इट इज़ आपकी रेसिपी बनेगी। तो तब तक के खाओ पियो मज़े करो, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी। बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस।